हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपको अपने घर पे मतलब अपने बेडरूम में बेड स्विच लगाना है तो उसके कनेक्शन आपको कैसे करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेड स्विच होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आप अपने बेड पर लेटे हो तो आपका मन करता है कि अगर आपको लाइट को ऑन करना है या ऑफ करना है तो आपको अपने बेड से ना उठना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे कि आप अपने बेड के नजदीक एक बेड स्विच लगा लोगे जो कि वहां से आप लेटे लेटे ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उस बेड स्विच से आप लैंप को ऑन ऑफ कर सकते हो और आपको अपने बेड से उठने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लैंप। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर हमने अपने लैंप को लगाना है और जो बेड स्विच है वो हमने अपने बेड के पास ही लगाना होता है, इसलिए इसे बेड स्विच भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमें अगर बेड स्विच लगाना है तो उसके हम कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे। अब दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारी बिजली है वो बिजली के खंभों द्वारा या बिजली के टावरों द्वारा आती है और उसके बाद हम मीटर का उपयोग भी करते हैं। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी देंगे कि आपको कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल टावर की। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल टावर आ गया है जिनके ऊपर हमारी बिजली की लाइनें लगी होती है और वहीं से हमें बिजली आती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपको पता है कि हमारे घर पर पहले बिजली का मीटर लगा होता है। तो दोस्तों, ये हमारे पास बिजली का मीटर आ गया है, इस पे चार टर्मिनल होते हैं जो कि दो इनपुट होते हैं और दो आउटगोइंग टर्मिनल होते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम घर पर यूज करते हैं आइसोलेटर। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक डबल पोल का आइसोलेटर आ गया है, ये एमसीवी टाइप आइसोलेटर है। इसका हम यूज इसलिए करते हैं कि मान लीजिए अगर आपको घर पर अपनी वायरिंग में कोई भी काम करना है तो आप क्या करोगे, इस आइसोलेटर को ऑफ कर दोगे और आप आगे इजीली काम कर सकते हो, क्योंकि ये बिजली को मतलब पावर को आइसोलेट कर देगा पूरे घर से। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा हमें हर रूम के सर्किट के साथ एक एमसीवी जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें करंट को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, मतलब जो हमारी फेस प्लाई होगी उसे हमें कंट्रोल करके ही भेजेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी आगे वायर्स शॉर्ट हो जाती है या ओवर करंट होती है तो उस केस में हमारा एमसीवी ट्रिप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये जो इक्विपमेंट चाहिए किसी भी कमरे के अपने घर पे अगर हमें कनेक्शन करने हैं। तो अब हम पहले मीटर के कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि मीटर पे जो बिजली आती है वो बिजली के खंभों से आती है। तो जो पहला टर्मिनल है वो फेस का टर्मिनल होता है। तो हम क्या करेंगे, बिजली के खंभे से एक तार सीधे इसके इनकमिंग टर्मिनल पे आ जाती है और जो दूसरा टर्मिनल है वो भी हमारे पास न्यूट्रल का है और जो तीसरा और चौथा टर्मिनल है ये आउटगोइंग टर्मिनल है। यहां से हम सीधे न्यूट्रल को हमने कनेक्ट कर दिया इस आइसोलेटर में और जो चौथा टर्मिनल है वहां से भी हमने फेस को कनेक्ट कर दिया इसी आइसोलेटर में, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जो आइसोलेटर का आउटगोइंग टर्मिनल है वहां से न्यूट्रल की सप्लाई को डायरेक्ट इस लैंप के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों जो हमारा न्यूट्रल है उसे हम कंट्रोल नहीं करते हैं, मतलब उसके अक्रॉस हम एमसीवी नहीं कनेक्ट करते हैं, उसे हम कॉमनली हर रूम में भेज देते हैं। तो अभी हम पहले न्यूट्रल के कनेक्शन कर देते हैं। तो आप देख सकते हो अब हमने न्यूट्रल को इस लैंप के अक्रॉस पहुंचा दिया है। अब हमें क्या सिर्फ फेस को इस लैंप के अक्रॉस पहुंचाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एमसीवी का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो फेस है वो ओवरलोड भी हो सकता है या फिर शॉर्ट सर्किट के कारण भी हमारी तारें जल सकती हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें एमसीवी का यूज करना ही पड़ेगा। अब इस एमसीवी के आउटपुट से हम क्या करेंगे, एक तार लेकर आएंगे जो कि इस बेड स्विच में कनेक्ट होगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने एमसीवी से तार को कनेक्ट कर दिया है इस बेड स्विच से। ठीक है, अब जो जो हमारा बेड स्विच है इसके आउटगोइंग टर्मिनल से हम इस लैंप को सप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे बेड स्विच के और इस लैंप के पूरे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से हम बेड स्विच के कनेक्शन करते हैं। अब हम इजीली इस लैंप को इस बेड पर लेटे हुए भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप कनेक्शंस करने हैं अगर आपको अपने घर पर या किसी भी रूम पे बेड स्विच लगाना है। और इवन आपको ये भी पता लगा होगा कि आपको लोकेशन कौन सी चूज करनी है, कि आपको कहां पर बल्ब लगाना है और कहां पर आपको बेड स्विच लगाना है।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।